पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू दिल्ली आने के बाद अपने परिवार से मिलने नहीं गई है। वो अपने बच्चों के पास भी नहीं गई। भारत आने के बाद अंजू की लापता होने के बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर वो भारत आने के बाद कहाँ गई। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने भी अंजू के बच्चों से पूछताछ की। अंजू के बच्चों का कहना है कि वो अपनी माँ से कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। वहीं भारत में अंजू के पहले पति अरविंद ने उसके खिलाफ पहले से ही केस दर्ज करवा रखा है। अंजू पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसी बीच नसरुल्ला के परिवार वालों का ये भी कहना है कि अंजू और नसरुल्ला अपने लिए प्लान भी तैयार कर रही हैं। उन्होंने दुबई शिफ्ट होने का फैसला किया है। प्लान बी के तहत कहा यह जा रहा है कि दुबई शिफ्ट होने के बाद अंजू भारत और दुबई में आना जाना आसानी तरीके से कर सकती हैं। और पाकिस्तान में अंजू के वीज़ा बढ़ाने को लेकर भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा सका है, इसलिए वो दुबई शिफ्ट हो रही हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक अंजू है कहाँ पर? वो अभी तक अपने किसी भी परिवार वाले से मिलने के लिए नहीं पहुँची हैं, बच्चों से भी मुलाकात नहीं हो रही है। तो अब उनके दिमाग में चल क्या रहा है? जब से अंजू भारत आई है चुप्पी साधी हुई है उन्होंने, मीडिया वालों से बात करने से इनकार कर रही है, कुछ भी कहने से वो बस्ती नजर आ रही है। वहीं जब पाकिस्तान में अंजू थी तो वहाँ पर लगातार वो बयान दे रही थी, वीडियो जारी कर रही थी और मीडिया से भी बात कर रही थी, लेकिन अब वापस आने के बाद में अंजू कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। सवाल ये है और कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद ने जिस तरीके से केस दर्ज करवाया हुआ है अंजू के ऊपर, क्या जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, इस पर जांच पड़ताल आगे बढ़ती है, तो क्या जिस तरीके से सीमा हैदर को भारत से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है, क्या अंजू को भी रोक लगा दी जाएगी? अब सवाल यही बना हुआ है कि वो बच्चों को वापस ले जाने के लिए तो आई थी, लेकिन क्या वो भारत में ही रह जाएंगी या फिर वो वापस जा पाएंगी, किस तरीके से वो वापस जा पाएंगी अगर जाना चाहती हैं तो? अब इस मामले पर क्या होता है? एक सवाल ये भी बना है कि अभी तक वो भारत की सिटीजन है और पाकिस्तान जाकर उन्होंने नसरुल्ला से शादी की है, तो अगर कानूनी तौर पर देखें तो इसको लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, कई मामलों पर वो फंस सकती हैं। और अब देखने वाली बात यही होती है कि अंजू के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आगे क्या करना चाहती हैं, कहाँ पर वो अपना ठिकाना बनाती हैं, या फिर अंजू गिरफ्तार हो जाएंगी, या फिर अंजू पर जिस तरीके से केस चल रहे हैं भारत छोड़ पाएगी वो नहीं छोड़ पाएंगी, अब आगे क्या चलता है ये देखने वाली बात है।